हाँ दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे अराया, जो कि मथुरा में है, में विकसित होने वाली हेरिटेज सिटी, जिसको हम नया वृंदावन भी बोलेंगे, कि डिटेल प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अमेरिकी कंपनी CBRE का चयन हो गया है। यह कंपनी हेरिटेज सिटी की 2 महीने में DPR बनाएगी। यह कंपनी DPR में वित्तीय और विकास के मॉडल भी सुझाएगी। इसके बाद यमुना प्राधिकरण इस पर काम शुरू करेगा। प्रदेश सरकार ने इसके मास्टर प्लान को पहले ही हरी झंडी दे दी है। इसकी DPR बनने के लिए, कंपनी का चयन करने के लिए यमुना प्राधिकरण ने 26 नवंबर को टेंडर निकाला था। यमुना एक्सप्रेस के किनारे यहां नया शहर बसाया जाएगा। इस नए शहर में पर्यटन, रिवर फ्रंट समेत तमाम तरह के भू उपयोग की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। नए शहर में ब्रज की पुरानी संस्कृति को दिखाया जाएगा। यहाँ पुरानी हाट, ऋषि मुनियों के आश्रम, म्यूजियम, मिनिएचर और गांव व वनों को बनाया जाएगा। नए शहर में औद्योगिक, आवासीय, रिक्रीशनल, ग्रीन ट्रांसपोर्ट, पर्यटन जोन, ग्रामीण आबादी, व्यावसायिक, मिश्रित उपयोग, ऑफिसेज, रिवर फ्रंट, वाटर बॉडी आदि के लिए जगह तय कर दी गई है। यमुना एक्सप्रेस वे किनारे राया, जो मथुरा में है, के पास 93,50 हेक्टेयर में नया वृंदावन शहर बसाया जाएगा। नए शहर में पर्यटन पर जोर होगा। पहले चरण में पर्यटन जोन ही विकसित किया जाएगा। 731 हेक्टेयर पर पर्यटन जोन और 110 हेक्टेयर पर रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। अब इस पे जल्द ही 2 महीने बाद जब DPR की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जल्द ही इस नए वृंदावन पर काम होना स्टार्ट हो जाएगा और जल्द ही आपको एक नया वृंदावन अपनी छटा बिखेरता हुआ आपके सामने नजर आएगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो को सब पे जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।